हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय और आपका टॉप से और टुडे चैनल में स्वागत है। आज बाजार में मिला जुला कारोबार देखने को मिल रहा है। मिड कैप स्टॉक और स्मॉल कैप स्टॉक में ज्यादा मुनाफा वसूली होती हुई नजर आ रही है। बाजार में अच्छे स्टॉक में पैसे निवेश करने के मौके दे रहा है। ऊपरी लेवल से स्टॉक में काफी करेक्शन हो चुकी है। आज हम इस वीडियो में एक ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिस स्टॉक में अधिक वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट या कंटिन्यूशन पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। आज के स्टॉक का नाम है आरबीएनएल रेल विकास निगम लिमिटेड। इस स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्टॉक का वॉल्यूम देखें तो स्टॉक आज के दिन ओपन हुआ 258.70 रुपए पर। जहां स्टॉक ओपन हुआ वहीं पर स्टॉक का हाई बन चुका। ऊपरी लेवल पर स्टॉक में आज के दिन 22.65 रुपए पे करेक्शन देखने को मिले हैं और ये स्टॉक 8.5% से भी ऊपर की गिरावट दिखा चुका है। करंट लेवल पर स्टॉक 236.60 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। स्टॉक का वॉल्यूम देखें बायर क्वांटिटी नंबर ऑफ शेयर्स में तो लगभग 11,03,620 क्वांटिटी देखने को मिल रही है। वहीं पर सेलर क्वांटिटी देखें तो नंबर ऑफ शेयर्स में तो लगभग 21,28,095 क्वांटिटी है। तो बायर्स के मुकाबले सेलर्स के नंबर देखें तो लगभग 2 गुने से भी काफी ऊपर है। ट्रेड वॉल्यूम की बात करें नंबर ऑफ शेयर्स में तो लगभग 2,06,18,242 क्वांटिटी है। तो स्टॉक के वॉल्यूम देखें तो काफी बड़ी मात्रा में स्टॉक में लिक्विडिटी देखने को मिल रही है पर स्टॉक के प्राइस पे गिरावट देखने को मिली है जिससे साफ पता लगता है कि इस स्टॉक में एक वीक ट्रेंड बनता हुआ नजर आ रहा है। स्टॉक के रिटर्न्स की बात करें तो पीछे के एक सप्ताह के अंदर स्टॉक में 20% की गिरावट देखने को मिल चुकी है परंतु एक महीने में 27% की तेजी, 3 महीने में 47%, 6 महीने में 86%, 1 साल के अंदर 226% और 2 साल में 591% से भी ऊपर के रिटर्न्स देखने को मिले हैं। तो लॉन्ग टर्म में तो इस स्टॉक में काफी अच्छी तेजी देखने को मिली है परंतु शॉर्ट टर्म में इस स्टॉक के ऊपरी लेवल पर स्टॉक में एक मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। स्टॉक का लॉन्ग टर्म का चार्ट पैटर्न देखें तो इस स्टॉक में वन वे रैली देखने को मिली है जहां पर स्टॉक ने एक टॉप बनाया 340 रुपीज का। 340 रुपीज के स्टॉक में एक टॉप बना ऊपरी लेवल पर आप इस स्टॉक में करेक्शन देखने को मिली है। स्टॉक ने एक बार सपोर्ट लेवल तो बनाया 284 रुपीज पर और यहां से स्टॉक में एक अपसाइड मूव भी बनता हुआ नजर आया परंतु ऊपरी लेवल पर फिर से स्टॉक में एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। आप इस स्टॉक का जो नीचे का एक बड़ा सपोर्ट लेवल है वो 226 रुपीज पर है। 226 रुपीज पर स्टॉक का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है क्योंकि स्टॉक ने यहां पर एक रीटेस्ट करके स्टॉक में एक अपसाइड मूव दिखाया था और जब स्टॉक 227 रुपीज पे था तो स्टॉक का वॉल्यूम लिक्विडिटी देखें तो नॉर्मल दिनों से ज्यादा स्टॉक में वॉल्यूम देखने को मिली है। तो यहाँ पर काफी बड़ा सपोर्ट लेवल है। अभी स्टॉक वहां से काफी ऊपर ट्रेड कर रहा है तो अगर आप इस स्टॉक में पोजीशन बनाना चाहते हैं तो 226 रुपीज के एक इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस के साथ ऊपर के टारगेट अराउंड 340 रुपीज के लिए आप इस स्टॉक को होल्ड करके रख सकते हैं। ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें।